सो हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सपनानी, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो सोनी ZV-1 को यूज करके। सो बेसिकली ZV-1 ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल कैमरा है फॉर व्लॉगर्स के लिए। इसमें ऑल इन वन सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू शूट गुड इमेजेस, गुड वीडियोस, वो सारे ऑप्शन सब कुछ मिल जाते हैं। बट नाउ इस अपडेट के बाद में कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो इस अपडेट को करके आपका जो कैमरा है वो USB के थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट होकर के लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। उस प्रोसेस के बारे में हम लोग पूरा समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने कैमरा को अपडेट कर सकते हो और कैसे इससे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। आप लोगों को किन किन चीज़ों की जरूरत होगी टू गेट दैट स्ट्रीमिंग फंक्शन स्टार्ट इन योर कैमरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को चेक करना ये जरूरी है कि आपका जो वर्जन है वो 2.0 पे है या नहीं है। अगर आपका कैमरा का वर्जन 1.0 पे, इन केस ऑफ दैट आपको अपने कैमरा को अपडेट करने की नीड है नए सॉफ्टवेयर पे। अपडेट करने के लिए आपको सिंपली अपने PC विंडो या मैकबुक के लैपटॉप पे जाना है, एंड देन उसके बाद आपको सर्च करना है सोनी ZV-1 सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड देन सबसे पहला वेबसाइट जो है ये ओपन होगा, दैट इज ZV-1 सॉफ्टवेयर सिस्टम फर्मवेयर अपडेट वर्जन 2.0, और आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली इस एप्लीकेशन को ऑन करना है, अपने कैमरा को फुल चार्ज करना है, एंड अपने कैमरा को वाया USB अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है, एंड देन इस एप्लीकेशन को रन कर देना है। विद इन 1 मिनट के अंदर आपका कैमरा जो है वो सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टेप, जब आपने इसको अपडेट कर लिया, आफ्टर अपडेट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की नीड है इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट दिस कैमरा एज इन वेबकैम ऑन योर लैपटॉप। अब वो क्या है वो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। नाउ आफ्टर अपडेटिंग योर कैमरा आपको सिंपली अपने कैमरा मेन्यू 2 में आना है, एंड कैमरा मेन्यू 2 में आने के बाद में यहाँ पे आपको पेज नंबर 4 में आना है। पेज नंबर 4 में आपको USB स्ट्रीमिंग का ऑप्शन दिखाई दे देगा। अगर आपको USB स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो अगेन आपको अपना सूटकेस में आकर के वर्जन चेक करना है कि आपके कैमरे का वर्जन स्टिल 1.0 पे तो नहीं है। इस तरीके से वर्जन चेक करेंगे तो यू विल सी के 2.0 आपको यहाँ पे शो करेगा। नाउ सिंपली आपको अगेन वापस मैं आपको ले चलता हूँ मेन्यू 2 पे, एंड यहाँ पे मुझे पेज नंबर 4 पे आना है, एंड पेज नंबर 4 पे यू विल सी के USB स्ट्रीमिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। USB स्ट्रीमिंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका कैमरा जो है वो वेबकैम मोड के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, एंड देन यू कैन सी कनेक्ट अ USB केबल, और इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर USB स्ट्रीमिंग देन प्रेस मोड बटन। तो अगर आपको इस मोड से निकलना है तो आपको मोड बटन को प्रेस करना है, वरना आप स्ट्रीमिंग मोड पे आ चुके हैं, आपको सिंपली इसे USB से कनेक्ट करना है एंड लैपटॉप पे से कनेक्ट करके, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग योर कॉन्टेंट। तो अब चलते हैं लैपटॉप के प्रोसेस की तरफ। लैपटॉप पे स्ट्रीम करने के लिए मुझे सिंपली एक USB केबल की नीड है और मुझे कैमरा से इसे कनेक्ट करना होगा, तो मैं अभी इसे कनेक्ट कर देता हूँ थ्रू USB। आफ्टर कनेक्टिंग आपको सिंपली अपने किसी भी स्ट्रीम डिवाइस में जाना है। तो मेरे यहाँ पे स्ट्रीम के लिए जो मैं डिवाइस या वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ StreamYard, और यहाँ पे जैसे ही मैं अपने वेबकैम की सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पे जनरल कैमरा की सेटिंग्स में मुझे ऑटोमेटिकली ZV-1 का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो ZV-1 एज एन वेबकैम मेरे कैमरा के तौर पे मेरे लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक बार कट करता हूँ, एंड यू कैन सी मैं जैसे मेरा वेबकैम को ऑन करूँगा तो ZV-1 की जो फीड है वो मेरे कैमरा की आपको आउटपुट में दिखाई देने लग गई। अब मैं एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में होता हूँ, एंड देन मैं अपने बेसिकली जब भी मैं StreamYard पे काम करता हूँ तो इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ अपने स्ट्रीम को। तो यू कैन सी एक हाई क्वालिटी का स्ट्रीम जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे वेबकैम के तौर पर कनेक्ट हो गया है। नाउ मैं जस्ट गो लाइव पे क्लिक करूँगा और मेरा स्ट्रीम जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको उसको OBS पे भी यूज़ करना है तो OBS पे भी इसके आउटपुट को लेकर के और स्ट्रीमिंग की जा सकती है। नाउ ये डायरेक्टली USB से वेबकैम बन गया है, और इसका यूज़ करके आप मे बी बीच में सॉफ्टवेयर ऐड करके स्ट्रीमिंग कर सकते हो। जैसे राइट नाउ मैं यहाँ पे StreamYard यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी हो डायरेक्टली तो डायरेक्टली भी होना पॉसिबल है Facebook, YouTube पे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और आई पर्सनली लाइक दिस फीचर। यहाँ पे 720p का जो है वो डायरेक्ट आउटपुट आपको USB से लैपटॉप पे जाता हुआ मिलता है, और आप डायरेक्ट इससे स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो बहुत ही कूल फीचर है, बहुत ही एडवांस फीचर है, आप फॉर श्योर अपने स्ट्रीमिंग के लिए इस फीचर को यूज़ कर सकते हो।